हे एवरीवन, मैं संतोषी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल माय कॉलेज बड़ी में। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के बारे में कि ये यूनिवर्सिटी आखिर है कैसी, इसके ऑफर्ड कोर्सेज के बारे में, इसके प्लेसमेंट के बारे में, इसके कट ऑफ के बारे में, इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज में कितनी कितनी फीस है इसके बारे में जानेंगे, साथ ही ये कब इस्टेब्लिश हुआ था इसके बारे में भी जानेंगे, इसका एक कितने एकड़ में ये बना हुआ है ये कैंपस, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम जो है डिटेल में जानेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी को 2010 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कितने एकड़ एरिया में बना हुआ है, तो 100 एकड़ एरिया में जो है ये कैंपस इसका बना हुआ है। वहीं मैं आप लोगों को बता दूं ये UGC एंड AICTE से अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कौन कौन से कोर्सेज को जो है ऑफर करती है, तो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, वहीं अगर बात करते हैं फार्मेसी हो गया कि फील्ड में जो है UG एंड PG कोर्सेज को ऑफर करती है। वहीं बात करेंगे इसकी फैसिलिटीज की, तो ये जो यूनिवर्सिटी है बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी जो है इसकी फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं। जैसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ले लीजिए, ऑडिटोरियम फैसिलिटीज हो गई, लैब्स फैसिलिटीज हो गई, डिसेंट क्लासरूम हो गई, हॉस्टल फैसिलिटीज हो गई, मेडिकल स्टेशनरी शॉप्स जो है विद इन कैंपस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। फैसिलिटीज के मामले में बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है, और कहीं ना कहीं क्या बहुत ही ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी को जो है प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज से लेकर एजुकेशन तक है जो है काफी ज्यादा अच्छी प्रोवाइड कराई जाती है स्टूडेंट्स को। इस वजह से जो कैंडिडेट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना काफी हद तक जो है प्रेफर करते हैं, और जिसकी वजह से जो है इनकी फैसिलिटीज की वजह से स्टूडेंट्स जो है काफी ज्यादा सेटिस्फाई भी होते हैं। एक प्लस पॉइंट ये भी है कि उन्हें ये ना लगे कि हम यहाँ पे फी पे कर रहे हैं और जो है यहाँ की फैसिलिटीज या एजुकेशन से हम जो है सेटिस्फाई नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे कैंडिडेट्स जो है वो इस यहाँ की फैसिलिटीज, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट हो गई और भी चीजें जो हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो इन सारी चीजों से जो है वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हैं। इस वजह से जो है एडमिशन लेना वो बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के अंदर। वहीं अगर इसकी रैंकिंग की बात की जाए तो मैं आप लोगों को बता दूं ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है अभी से रैंकिंग नहीं दी गई है, बाबू बनारसी दास को अभी कोई रैंकिंग नहीं दी गई है। वहीं अगर इसके फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मैं आप लोगों को बता दूं जो इसके बीटेक में इस कोर्सेज की जो फीस जाती है वो 1.25 लाख पर एनम तक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। वहीं मैं आप लोगों को बता दूं मैनेजमेंट की फील्ड में भी आप लोग कोर्सेज कर सकते हैं, बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, बीबी प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्सेज को आप लोग इस यूनिवर्सिटी से जो है इजिली कर सकते हैं। साथ में जो मैंने अभी बताया बीबीए और एमबीए मैनेजमेंट की फील्ड में आप कर सकते हैं। तो इसके फीस की बात की जाए तो बीबीए की जो फीस है वो 18,000 तक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं अगर एमबीए की फीस की बात की जाए तो आप लोगों को 1 लाख अप्रॉक्स जो है देखने के लिए फीस मिल जाएगी इस यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर आप इन कोर्सेज को जो है करते हैं मैनेजमेंट की फील्ड में। वहीं अगर आप लॉ की फील्ड में कोर्सेज को करना चाहते हैं तो बीए एलएलबी हो गया, बीबीए एलएलबी हो गया, एलएलएम हो गया। वहीं मैं आप लोगों को बता दूं बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी की फीस की बात करें तो 18,000 तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। वहीं एलएलएम की फीस की बात की जाए तो वहां पर भी जो है 18,000 पर एनम आप लोगों को देखने के लिए इसकी फीस मिल जाएगी इस यूनिवर्सिटी के अंदर। वहीं कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो है बीसीए एमसीए कोर्सेज को आप कर सकते हैं। वहीं अगर इसकी फीस की बात की जाए तो बीसीए की जो फीस है वो 18,000 पर एनम आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं अगर एमसीए की फीस की बात की जाए तो एमसीए की जो फीस है वो 1 लाख पर एनम आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी इस यूनिवर्सिटी से अगर आप इन कोर्सेज को करते हैं तो। मास कम्युनिकेशन की फील्ड में जो है आप जिन कोर्सेज को कर सकते हैं वो मैं बता दूं बीए जेएमसी हो गया और एमए जेएमसी हो गया। वहीं अगर इसकी फीस की बात की जाए तो बीए जेएमसी की फीस जो है 18,000 पर एनम है, और वहीं अगर बात की जाए बीए जेएमसी की फीस जो है वो 19,000 पर एनम आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी। साथ में फार्मा की अगर बात की जाए फार्मेसी की तो मैं आप लोगों को बता दूं फार्मेसी की जो फीस है 1.2 लाख पर एनम देखने के लिए मिल जाती है। वहीं अगर आप बीटेक कोर्सेज करना चाहते हैं तो मैं उसमें बता कि उसमें आप लोगों को एडमिशन कैसे मिलेगा, तो जेई मेंस के एग्जाम्स पे, और वही बात की जाए 12th में जो है 50% मार्क्स आप लोगों के लिए होने चाहिए तभी आप लोग एलिजिबल हैं बीटेक कोर्सेज को करने के लिए। अदरवाइज अगर आप लोग 12th क्लास में 50% मार्क्स नहीं है, उससे कम है, तो आप लोग बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है बीटेक कोर्सेज को करने के लिए। और जेई मेंस के एग्जाम्स के बेसिस पर भी अगर आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया है तो ही आप लोग जो है बीटेक जैसे कोर्सेज को इजिली कर सकते हैं। वहीं अगर इसके प्लेसमेंट की बात की जाए तो मैं बता दूं उसका हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो 44 लाख पर एनम आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है अप्रॉक्स। वहीं अगर इसके मीडियम प्लेसमेंट की बात की जाए तो 3 लाख पर एनम देखने के लिए मिल जाता है। वहीं बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, एमबीए की अप्रॉक्स फीस जो है
2-3 lakhs पर एनम आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर फार्मेसी में जो है लीगल स्टडीज आप लोग करना चाहते हैं तो उसकी फीस आप लोगों को जो है 2-3 lakh तक भी देखने के लिए मिल जाएगी इजिली। वहीं बैचलर ऑफ डिजाइन की बात की जाए तो बैचलर ऑफ डिजाइन में भी जो है आप लोगों को फीस देखने के लिए मिल जाएगी 80,000 पर एनम जो है इस यूनिवर्सिटी से आप इन कोर्स को करते हैं तो। वहीं देखा जाए तो बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में जो है डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, मेरिट बेसिस पर एडमिशन जो है इजिली मिल जाते हैं आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर। सो ऑल ओवर देखा जाए तो ये यूनिवर्सिटी जो हर चीज में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, प्लेसमेंट के मामले में हो या कट ऑफ के मामले में हो या फैसिलिटीज के मामले में हो या एडमिशन प्रोसेस जो भी इसका है या जो कोर्सेज बताए हैं उसके फीस के मामले में हो, तो मतलब हर चीज में जो ये बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो आप इसमें जो है एडमिशन लेके अपने कोर्सेज को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं आपको इससे हटकर एक चीज बताना चाहूंगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो बताना चाहूंगी। अगर आप किसी भी कोर्सेज या कॉलेजेस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे दिया गया है, देन फिल आउट दिस फॉर्म एंड फ्री एनालिसिस एंड एक्सपर्ट काउंसलर भी है, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो इजिली क्लियर कर दिए जाएंगे। बट डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया गया है उसे फिल आउट करना ज्यादा जरूरी है। तो गाइस अगर चाहते हैं आप इसी तरह की वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।